नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन, अब तक सीबीआई ने कौन सा आंसर दिया? किस बनाम पर इतने सारे यूट्यूबर्स का ये कहना शुरू हो चुका है कि 302 लगाएंगे सीबीआई और बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन जो कि खत्म हो चुकी है उसका निर्णय दिया जाएगा, और सिर्फ परमवीर सिंह और अनिल देशमुख जैसे कुछ लफंगों की वजह से जो अभी तक फरार है, जिनको अभी तक मुंबई की घटिया पुलिस, मुंबई की घटिया गवर्नमेंट अभी तक पकड़ नहीं पाई। हर वीडियो में ये मैं चीख चीख के कह सकती हूं। तो किस बनाम पे ये यूट्यूबर्स जो कि बना रहे हैं वीडियोज अपनी, जो कि लाइव सेशंस पे ये कहते हैं कि अरे भैया, अब बहुत जल्दी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, बस थोड़े पॉलिटिकल बातों की वजह से ये जो डिसीजन है थोड़े देर बाद आएगा। तो प्लीज प्लीज, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि थोड़े दिन बाद, यानी कि ऑब्वियसली थोड़े दिन बाद, ये हो सकता है कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये तो हर कोई बोल सकता है कि कुछ होने वाला है। अभी लोगों ने ये भी, मेरे कुछ प्यारे से जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने भी मुझे पूछा कि दीदी, काफी लोगों के मुंह से पता चल रहा है कि नवम्बर में कुछ होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नवम्बर में भी कुछ होगा, दिसंबर में भी कुछ होगा, ऐसे अनुमान तो हर पंडित लगाते हैं कि भैया बेटा, तुम्हारे जीवन में अब कुछ अच्छा आने वाला है। कुछ अच्छा आएगा तो बोलेगा कि देखा मैंने कहा था, और कुछ नहीं अच्छा आया तो पॉलिटिकल अत्याचार। तो प्लीज, हम इतने बेवकूफ ना बने तो अच्छा है। प्लीज गेट बैक, गेट सेट गो वाला सिचुएशन अभी तक इन लोगों के दिमाग में नहीं आया है, जिसको सो कॉल्ड सीबीआई कहते हैं। और सीबीआई अभी नारायण जी के केस में भी बात करने वाली है, जिनके ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मा आ गया है। बट क्या आपको लगता है जो सीबीआई की एजेंसी अभी तक 302 नहीं लगा पाई है, जो कि क्लीन एंड क्लियर केस है सुशांत सिंह राजपूत का, जो मर्डर है उस पर 302 नहीं लगा सकी है, वो एक महंत के केस के ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगी? I really pity on people जो अभी भी ये आस लगाए बैठे हैं कि सीबीआई कुछ करेगी। खैर, ये सीबीआई कुछ करे ना करे, एनसीबी बहुत कुछ कर रही है, और एक नया चीज, एक नई अपडेट आई है जो कि बहुत अच्छी है। ये एनसीबी क्या कर रही है? लोगों को लगता है नार्कोटिक्स कंट्रोल, सिर्फ नार्कोटिक्स कंट्रोल और यही सब होगा, इसमें सुशांत का क्या है? तो सुशांत वही इंसान है जिसकी मौत के बाद बॉलीवुड का कचरा बाहर निकल रहा है, बॉलीवुड की गंदगी रोज रोज हमें पता चल रही है, वो चाहे दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, या कोई भी ऐसे बड़े नाम हो, उन सबको ड्रग एडिक्ट के नामों में शामिल किया गया, और एनसीबी ने अब तक इन लोगों को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। बहरहाल, अभी तक मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों सलमान खान, क्यों रणबीर कपूर और क्यों सूरज पांचोली जैसे लोगों को एनसीबी ने अभी तक नहीं बुलाया है। ये नई खबर आती है कि एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के साले, यानी कि अब बता नहीं साला है या कौन है, साला तो है ही, बट अगासिया या ऐसा कुछ अजीबो गरीब नाम है, जो अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला समथिंग, जो ये अजीबो गरीब नाम है, आई एम सॉरी मैं इनको प्रोनाउंस नहीं कर सकती, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम आल्सो। तो राज, ये जो भी है अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई, जो कि लास्ट ईयर भी पकड़ा गया था, बट एनसीबी के पास प्रॉपर सबूत नहीं थे, जिनकी वजह से इन गवारों को, इन ड्रग एडिक्ट्स को जमानत मिल जाती है। और जमानत देने वाले भी होते हैं मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई कोर्ट, इन सब जैसे लोग, जहां पर सिर्फ पैसे की कीमत रखी जाती है, पैसे दो और जमानत लो। अरे, राज कुंद्रा का केस तो आपने जाना ही होगा, राज कुंद्रा को तो मिली गई जमानत, 2 महीने के बाद उसे जमानत मिलती है, सिर्फ 50,000 रूपये में बिक जाता है मुंबई हाईकोर्ट, सिर्फ मात्र 50,000। ऐसे 50,000 मेरे भी है, कत्ल करके आओ क्या ठाकरे का, उद्धव ठाकरे, मैं तुम्हारा कत्ल करके 50,000 का जमानत देती हूँ 2 महीने के बाद, क्या तुम प्लीज मेरे हाथों से मरोगे? क्योंकि जिस दिन तुम और तुम्हारा पेंगुइन मरेगा ना, कसम खुदा की मैं बहुत सारे लड्डू बांटूंगी, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। खैर, जो मैं कह रही थी, अर्जुन रामपाल का जो भी है साला या व्हाटएवर है, गैब्रिएला का भाई, लास्ट ईयर भी पकड़ा गया था, बस जमानत पे चढ़ गया, और इस बार भी गिरफ्तार हुआ है काफी सारे ड्रग्स लेकर, ड्रग्स की बरामद हुई है उसके पास से। तो उसे अब कितने दिनों में जमानत मिलती, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूछता है भारत, कितने दिनों में तुम्हें मिलेगी जमानत? तो तुम्हारा जमानत के लिए तुम कितने में बिकवाओगे इन कोर्ट को, इन पुलिस वालों को, वो तो तुम पे है भाई। और अर्जुन रामपाल, देखिए, चोर की गाड़ी में तिनका,
जब अर्जुन रामपाल की कोई गलती नहीं है तो उसे सफाई देने की जरूरत क्या है। सफाई वही देते हैं जो कोई गलती करते हैं, जो अपने आप को छुपाते हैं वो सबसे पहले सफाई देते हैं। मैं तो भैया समझ गई हूँ कौन क्या है। अब ये अर्जुन रामपाल सफाई देने के लिए लोगों के पास यानी कि मीडिया पे ये बताने आता है कि भाई आप लोग ने मेरा नाम बहुत उछाला है, मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम हमेशा आ जाता है ड्रग्स में, और मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूं जो बहुत ही मतलब कानून को मानता है। अबे कीप शट यू अर्जुन रामपाल, जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस बकवास। एंड ये अर्जुन रामपाल ही है जो लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद वो जो 6 महीने बीते जब ड्रग्स का खुलासा होने लगा तो इसी अर्जुन रामपाल के घर में से बहुत सारे ड्रग्स बरामद हुए थे। तो अर्जुन रामपाल वो चीज भूल गए और याददाश्त है या नहीं बोलो तो याद दिला दूं। हाँ तो बहुत सारे ड्रग्स तुम्हारे ही घर से मिले थे, ठीक है। तुम्हारा साला क्या करता है क्या नहीं करता है उससे मेरे को मतलब नहीं है, बट वो भी पकड़ा गया और तुम भी बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। और एनसीबी हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोगों ने अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है दीपिका पादुकोण और ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों को। बट मेरा और एक रिक्वेस्ट है कि हर बार जैसे मैं कहती हूँ सूरज पांचोली, सलमान खान, करण जौहर, रणबीर कपूर, ऐसे नामों को भी बुलाइए और उनकी भी तफ्तीश करिए, क्योंकि वो लोग भी कम ड्रग एडिक्ट्स नहीं है। आपको ये पता भी है और आप जानते भी हो, आपको बहुत कुछ मिलेगा इन लोगों के मुंह से, मुंह खुलवाने से। ये सलमान खान नया बिग बॉस खोल रहा है और उसमें पता चल रहा है रिया चक्रवर्ती आने वाली है, तो कौन कौन देखने वाला है बिग बॉस, जरा मुझे कमेंट करके जनाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी बकवास को नहीं महसूस करने वाली, ना ही देखने वाली हूं, ना देने वाली हूं। बॉयकॉट बिग बॉस फ्रॉम माई एंड, आप लोग अपना जाने। मैं ऐसी नहीं हूं कि मैं रोज कहूंगी जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत, और उसी के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनका प्रोग्राम देखूं और उनको ज्यादा टीआरपी दूं। नहीं, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है। मैं जो हूं मैं वो हूं, मैं चीखती चिल्लाती मुझे खुद को पसंद आती हूं। क्यों? क्योंकि मैं सच बोलने वाली लड़की हूं। जिसको सच्चाई से प्रॉब्लम है वो मेरी वीडियो ना देखे, ना मुझे सब्सक्राइब करे, और जिनको सच्चाई सुननी है वो डेफिनेटली मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब करे ना करे मेरी वीडियो जरूर देखे, अंत तक देखिए, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। रही बात शहनाज और सिद्धार्थ की, लोगों को हमेशा जानना होता है शहनाज की क्या हालत है, तो शहनाज अब बहुत अच्छी हालत में है, बहुत ही बेटर फील कर रही है। और जैसे कि रीटा शुक्ला यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की मॉम ने उन्हें हमेशा सपोर्ट करा है, अब देखिए गलती तो हुई है, लापरवाही तो डेफिनेटली हुई है कि जहां पर किसी को हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसे बचाया जा सकता था उन्हें ना बचाकर ये सारी मतलब बातें सुनाई दे रही है। ब्रह्म कुमारी में पता चल जाता है कि आपकी मौत निकट है और शरीर साथ छोड़ देती है, आत्मा यहां रहती है, प्लीज ये सब बंद करिए, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों को बचाया जा सकता था। जो आप नहीं बचा पाई हैं वो आप जो भी कितने भी तांडव करें, जितना भी आपको रोना धोना हो, बट आपसे ये गलती हुई है। बीइंग अ मदर आपने कोई पाप नहीं किया है, बट आपसे ये गलती जरूर हुई है। जिसका पछतावा है या नहीं है मुझे नहीं पता है, बट मुझे इस चीज का बहुत अच्छा लगता है। आप शहनाज को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, आगे भी करिए। और आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी लास्ट वीडियो में, लास्ट टू वीडियोस में जहां पर मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था 15 अक्टूबर दलजीत दोसांझ की फिल्म आ रही है जो शहनाज को लीड रोल मिला है जिस फिल्म में, उस फिल्म का नाम शायद हौसला है। तो वो हौसला मूवी तो 15 अक्टूबर को रिलीज होने ही वाली है, और जिस हिसाब से शहनाज की हालत थी तो पहले वो नहीं जाने वाली थी ट्रेलर पे, बट अब ट्रेलर आने वाला है और उनके ट्रेलर पे वो जाने वाली है, और वो इसलिए जाने वाली है ताकि वो हम जैसे जो फैंस है, जो फॉलोअर्स है शुक्ला के यानी सिद्धार्थ शुक्ला के और शहनाज के और सिद्धनाज के फॉलोअर्स हैं, सिद्धनाज के चाहने वाले हैं, उनको वो अपनी तरफ से कुछ बातें कर सके। अब मुझे नहीं पता है कि वो पूरी तरह से बात कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को समेट कर उस फिल्म के ट्रेलर पे जा रही है जो कि बहुत जरूरी है। वो इसलिए भी जा रही है क्योंकि सबने कहा है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये सिद्धार्थ का सपना था, उसकी ऊंचाई सिद्धार्थ का सपना था। तो जैसे कि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने उसे ब्लेस किया था, शहनाज तुम्हें सिद्ध का सपना पूरा करना है, तो उसी वजह से शायद शहनाज को इतनी हिम्मत आई है कि वो आगे बढ़ने के लिए पैर पैर उठा रही है, और हम सबको उसे साथ देना है। उसकी मूवी आने वाली है 15 अक्टूबर,
दिलजीत दोसांझ के साथ वो लीड एक्ट्रेस होने वाली है, बहुत बड़ी बात है हमारी शहनाज के लिए। तो सिद्धार्थ की खुशी के लिए शहनाज आगे आ रही है और शायद पहली बार प्रेस में बात करने वाली है, मीडिया के साथ बात करने वाली है। मुझे नहीं पता कि कितनी बात कर पाएगी, क्या शायद उस रात के बारे में बात कर पाएगी कि नहीं, कि शहनाज और सिद्धार्थ के बीच में क्या बात हुई थी, बट इतना जरूर है कि वो कुछ कहेगी और उसके कुछ कहने के लिए ही मैं बहुत वेट कर रही हूं। और ये दिन आ रहा है कल, तो कल है शहनाज की फिल्म हौसला का फिल्म ट्रेलर, तो मैं वेट कर रही हूं कि उसके बारे में मुझे क्या सूचना मिलती है। मेरे पुष्टि मतलब मेरे सूत्रों के हवाले से जो मुझे पुष्टि करने के बाद जो मैं मुझे न्यूज मिलेगी वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, और तब तक के लिए इंतजार करिए। और जहां तक बात है शहनाज की हालत का, हम सब प्रे करते हैं कि वो ठीक हो जाए। और रही बात एनसीबी की, तो हैट्स ऑफ टू यू, बट वी स्टिल वांट मोर फ्रॉम यू। और अर्जुन रामपाल के साले को पकड़ा है, साले के सालों को भी पकड़ो, और ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के बॉलीवुड में से जितने भी ड्रग एडिक्ट है उनको पकड़ो, क्योंकि सुशांत की जान की बलिदान को ऐसे ही जाया नहीं करने देंगे। और रही बात जस्टिस की, तो जस्टिस के लिए आज क्या कल क्या हर वक्त मैं लड़ने को तैयार हूं, अपनी जान देने को तैयार हूं। तो आए कोई जान लेके तो जाए, जनता एक दिखती हूं पर मेरे पीछे करोड़ों बैठी है, मुझ पे एक वार होगा हजार आएंगे। तो ये ख्याल रखिएगा। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मेरी दोस्त ने कहा है, मोमिता ने कहा है कि अगर खुद के जस्टिस के लिए लड़ सकती हो तभी दूसरों के जस्टिस के लिए लड़ पाओगी। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं उसके और भास्कर के, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। बाकी जो लोग मुखौटों को साथ में लेकर हंसते मुस्कुराते हैं उनको मैं पहचानती हूं और वो मुझे भी पहचानते हैं। मैं हार नहीं मानूंगी, ना मानी थी ना मानूंगी, यही मेरा कह सकते हो स्टाइल है। मैं ऐसी ही हूं और ऐसी ही रहूंगी, पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो गेट लॉस्ट। मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठी हूं, मैं बस अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स अपनी फैमिली यानी कि अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत प्यार करती हूं। लव यू ऑल। एंड मेरी मिठाई से एक बार मैं आपको बाय बाय करवा देती हूँ। नमस्ते भारत, नमस्ते भारत। ये बहुत प्यार करती है मुझे और मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है पर उसने मुझे सपोर्ट किया है। वो मेरी आंखों के लिए हमेशा मुझे बर्फ देती रहती है, मुझे प्यार करती रहती है, लड़ती भी है रात को, बट आई लव हर। थैंक यू। हम इनको गलती से लात मार देते, सॉरी। चलो ठीक है, थैंक यू आप लोग सबको, साथ दीजिएगा, सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को वायरल करें या ना करें, सोच को वायरल करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।